राम राम सभी पेंशन धारकों को। जितने पेंशन धारक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हो चुका हूं। बुजुर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है वो कब तक आने वाली है। आज 13 तारीख हो चुकी है लेकिन पेंशन अभी तक बुजुर्गों के खातों में नहीं आई है। सभी बुजुर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पेंशन को लेकर। चाहे हरियाणा बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, लाडली पेंशन है, किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हैं आप हरियाणा में, तो जितने पेंशन लाभार्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा सरकार समाज कल्याण विभाग के अधिकारी है वो आपकी पेंशन डालेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो पेंशन है वो कब आने वाली है और कितने दिन लेट होगी आपकी जो पेंशन। अगर आप समय समय पर हरियाणा से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट समय समय पर पाना चाहते हैं, चाहे हरियाणा बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, लाडली पेंशन है, किसी भी प्रकार की पेंशन है आप हरियाणा में पेंशन लेते हैं उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 10 दिन और नहीं आएगी पेंशन। जी हाँ, जितने भी लाभार्थी हैं पेंशन के, चाहे बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, तो उनको 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है पेंशन को लेकर। तो उनकी जो पेंशन है वो क्यों लेट हो रही है, आपको पता होगा पिछली बार आपकी जो पेंशन थी वो 10 तारीख को डाल दी गई थी। 10 तारीख को वो क्यों आई थी, क्योंकि इलेक्शन थे, वोटिंग होनी थी, उसके कारण आपकी जो पेंशन थी वो जल्दी डाल दी गई थी। लेकिन अब की बार आपकी जो पेंशन 10 तारीख को नहीं आई है और आज 13 तारीख हो चुके हैं, आपकी जो पेंशन है वो 20 तारीख के बाद आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 तारीख के बाद आपके सभी के अकाउंट में जो 3000 रुपये पेंशन की जो राशि है वो देखने को मिल सकती है। अभी कंफर्म नहीं है कि 20 तारीख को आपकी पेंशन आने वाली है। हो सकता है कि आपकी जो पेंशन है वो 25 तारीख तक देखने को मिले, लेकिन अभी यही अपडेट है कि आपकी जो पेंशन है वो 20 तारीख के ही बाद आने वाली है। चाहे आप किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो 20 तारीख के बाद मिलेगी। अगर आपकी पेंशन को लेकर कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी पेंशन नहीं बन रही है या आपकी जो पेंशन कट चुकी है तो उनके लिए समाधान क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा पेंशन लाभार्थियों को, तो ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।